अपने बेबाक बयानों के चलते चर्चाओं में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे कार्जू एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। दरअसल कार्जू ने मैगजीन के लिए लिखे गए एक लेख में देश की हालिया परिस्थिति को लेकर काफी सारी बातें की हैं। उनका कहना है कि अब ये साफ हो चुका है कि देश में समस्या गंभीर हो चुकी है और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अकेले नहीं संभाल सकते और इसके लिए अब राष्ट्रीय सरकार का तुरंत गठन होना चाहिए, जिसमें न केवल सभी दलों के नेता, वैज्ञानिक, उनके साथ साथ प्रशासनिक विशेषज्ञ भी शामिल हो। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि मई 1940 में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। वो लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उचित सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश के सामने जो गंभीर समस्याएं हैं, इसे उनके और उनकी पार्टी के लिए अकेले संभालना मुश्किल है। अर्थव्यवस्था तेजी से डूब रही है और महामारी ने स्थिति को खराब कर दिया है। वो आगे लिखते हैं कि हालांकि ब्रिटेन की तरह हमें किसी अन्य देश के आक्रमण का खतरा नहीं है, जैसा कि मई 1940 में ब्रिटेन को सामना करना पड़ रहा था, लेकिन हम एक ऐसे खतरे का सामना कर रहे हैं जो कि उतना ही खतरनाक है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश में 80-90% वर्क फोर्स अपनी आजीविका खो चुके हैं। आज देश को आवश्यकता है पूरे राष्ट्र के संयुक्त प्रयास की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सर्वदलीय सरकार बनाने के बारे में सोचना चाहिए। बताते चलें कि 17 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म हो जाएगी। इसके बाद सरकार की ओर से क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, इसका पता वक्त आने पर चलेगा। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल यू न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।